मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष अध्यापक। सफलता की तरफ बढ़ते हुए कदम किसे अच्छे नहीं लगते, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इन कदमों की रक्षा कौन करता है? कौन इन पांवों को पत्थरों से, कंकड़ों से और कांटों से बचाता है? आप कहेंगे, अरे ये तो मुझे मालूम है ना भाई, ये है जूते और चप्पल। ये ही ये चीज है जो हमारे पांव को सेव करते हैं कंकड़ और पत्थरों से, जो हमारी मंजिल को आसान बना देते हैं। मित्रों, आज का टॉपिक हमारा इसी पर है कि आखिर यदि हमने मंजिल की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ना है तो किस रंग के जूते हम धारण करना चाहिए। अच्छा, ये जूते का रंग भी क्या हमारे कैरियर में चार चांद लगा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना है, आपके जूतों का रंग भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके कैरियर की सफलता के लिए। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। मित्रों, आप अपनी जन्म पत्रिका को खोल लें, या अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो केवल बोर्ड को देखें और किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाकर के समझें कि आपके जीवन में कौन से रंग का आप जूते या चप्पल पहने तो जिससे आपको सफलता जल्दी अर्जित हो जाए। आइए समझते हैं सबसे पहले इस जन्म कुंडली को। आप देखिए, आपकी कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है वहां पर लिखा होगा लगन या असेंडेंट। बस यहीं से आपने गिनना शुरू करना है और चलना है दशम भाव तक, यानी टेंथ तक गिनती गिननी। कैसे? लगन है जहां पर, उसे आपने फर्स्ट हाउस गिनना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन एंड टेंथ, दसवां भाव। बस यहां तक आपने गिनना है और ये ही वो भाव है जो हमें सफलता देने की गारंटी देता है। टेंथ हाउस आपके जिंदगी की एनर्जी है, आपकी सफलता को डिसाइड करने वाला भाव है। मित्रों, यदि ये भाव कमजोर हो जाए तो आप समझे हमें जीवन में सफलता अर्जित नहीं होती। जिस भी व्यक्ति का ये भाव जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा व्यक्ति जीवन में सफलता की सीढ़ियां ऊपर चढ़ेगा। आपकी कुंडली में यदि ये भाव अच्छा है तो आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु सफलता की सीढ़ियां चढ़ते समय यदि आप इस भाव में पड़ी हुई राशि के स्वामी से संबंधित रंग का जूता यदि धारण कर लेते हैं तो आपके ये कदम जल्दी जल्दी सफलता की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। आइए समझते हैं किस प्रकार। मान लीजिए यहां पर नंबर हमने लिखा एक, यानी कि आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं, तो हम दस तक गिनना है हमें, ये हमें समझ में आ गया है। तो हम यहां से गिनना शुरू करें, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ और दस। मित्रों, अगर मेष लग्न का व्यक्ति है तो उसके दसम भाव में होगी मकर राशि। ये आप नहीं जानते मकर राशि क्या होती है तो हमारे बिगनर्स कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर भी मकर राशि के बारे में विस्तार पूर्वक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो मकर राशि के स्वामी ग्रह होते हैं शनि देव।
शनि महाराज का संबंध मकर राशि से है, यानी कि मेष लग्न के जातकों को सफलता दिलाने वाला ग्रह है शनि भगवान, और शनि भगवान का संबंध काले रंग से है। इसको समझने के लिए मैंने ये टेबल पूरी की पूरी बनाई है, आप यहां पर भी देख सकते हो क्या है। जैसे यहां पर मकर राशि है यानी कि नंबर 10 की राशि है, तो आप देख रहे होंगे मकर राशि नंबर 10 और 11 ये कुंभ राशि है। मकर और कुंभ राशियों के स्वामी शनि भगवान है, यानी कि किसी व्यक्ति के दसम भाव में 10th या 11th राशि है तो उनके शनि भगवान, उनके दसम भाव के लॉर्ड हुए शनि भगवान, और उन्हें सफलता अर्जित करने के लिए काले रंग के जूते पहनने चाहिए, या तो चप्पल भी पहन सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आपने डिसाइड करना है। पर अगर वो चमड़े का, काले रंग का चमड़े वाला जूता पहने तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक रंग आता है फैंसी कलर का ब्लैक, वो अच्छा नहीं है, इनको प्योर लेदर के जूते ब्लैक कलर में पहनने चाहिए, क्योंकि लेदर का संबंध भी शनि ग्रह से है। वो आगे आगे आप देखते जाएंगे कि हमारे जो वीडियोस आएंगे उसमें हम पूरा समझाएंगे। और हाँ, हमारे एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में 250 से अधिक अब तक वीडियोस आ चुके हैं, और आप भी उन वीडियोस को देखना चाहते हैं या आने वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन तो बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। चलिए फिर से चलते हैं टॉपिक पर। कहने का अर्थ है कुंडली के दसम भाव में जो भी राशि होगी उस राशि के स्वामी ग्रह के अनुसार ही रंग डिसाइड करना चाहिए अपने जूते और चप्पलों का। जैसे कि अगर यहां पर नंबर 5 राशि है यानी कि सिंह राशि है, तो आप सिंह राशि के स्वामी हुए सूर्य, सूर्य जिनका दसम भाव में वहां पर पंचम यानी कि सिंह राशि है, तो उन्हें या तो खड़ाऊ धारण करने चाहिए यानी लकड़ी की बनी हुई चप्पल, जिन्हें खड़ाऊ कहा जाता है, पर आजकल ये पॉसिबल नहीं है। मैं जानता हूं आप कह रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, हमें जल्दी जल्दी चलना होता है, ये तो साधु संतों की चप्पल है। तो कोई बात नहीं, अगर हो सके तो वुडन कलर के जूते अगर मिल जाए तो बहुत बहुत आपके लिए बढ़िया होगा। अगर वुडन कलर फिर भी नहीं मिलता आपको तो उसकी जगह आप रेड कलर को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। रेड कलर भी पसंद नहीं आ रहा तो येलो कलर तो बिल्कुल मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करें, रेड और येलो को मिक्सअप भी करके कोई कलर बनता है तो वो भी हो सकता है। अच्छा, वो भी नहीं समझ में आ रहा, ओनली एंड ओनली व्हाइट, बस ये जूते मिलना तो बहुत ही आसान है। यदि आपके दसम भाव में सिंह राशि है तो आपको व्हाइट कलर के जूते बेटर रहेंगे, अगर ये अदर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उनकी सफलता में और मदद मिलेगी। आप चलते हैं चंद्रमा पर। यदि आपके दसम भाव में कर्क राशि फॉल कर रही है तो उसके स्वामी हुए चंद्रमा यानी कि व्हाइट कलर, यानी कि व्हाइट कलर के जूते पहनने से आपको लाभ हो सकता है। अब चलते हैं आगे। यदि 10th हाउस में मेष राशि यानी नंबर 1 की राशि या नंबर 8 यहां पे लिखा हुआ है वृश्चिक राशि फॉल कर रही है तो उनके स्वामी है मंगल, और मंगल वालों को रेड शूज पहनने चाहिए या रेड कलर के स्पोर्ट्स शूज। अब ये मत कहना कि ये नहीं मिलेंगे,
मैंने भैया बहुत बार देखा है ये शूज इजीली अवेलेबल है, खास करके स्पोर्ट शूज में लाल कलर बहुत अधिक मात्रा में आसानी से मिल जाता है, तो मेष वाले और वृश्चिक वालों के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं वो लोग जहां जिनके चार्ट में 10th हाउस में धनु राशि या कुंभ राशि दशम भाव में या धनु राशि 9 नंबर की राशि या मीन राशि नंबर 12 की राशि फॉल कर रही है, तो उनके स्वामी हैं गुरु। और फिर वही बात, गुरु अगर इनके स्वामी धनु और मीन के स्वामी ग्रह होते हैं गुरु, गुरु के लिए भी वुड यानी कि लकड़ी खड़ाऊ वही जो साधु संतों के पाव में होती है वो पॉसिबल नहीं है, तो वुडन कलर भी पॉसिबल नहीं है, पर जूती मिल जाती है इस रंग की, तो आपको फिर से वाइट ले लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शुक्र के लिए। यदि यहां पर वृष राशि है या तुला राशि है और दशम भाव के स्वामी हैं शुक्र ग्रह, तो समझिए आपको रंग बिरंगे कलरफुल जूते सबसे बेटर होंगे। स्मार्ट रहिए, एकदम यंग बने रहिए और स्पोर्ट्सी लुक देने वाले जूते आपको पहनने हैं। अगर आपके दशम भाव में, ये मैं बता चुका हूं पहले भी, मकर या कुंभ राशि है तो ब्लैक कलर के पहनिएगा। अगर यहां पर दशम भाव में मिथुन राशि यानी कि 3 नंबर की राशि, कन्या राशि यानी कि 6 नंबर की राशि यहां पर है, तो आपको स्पोर्ट्स शूज ही पहनने चाहिए। पर यहां पर आप कहेंगे कुछ लोग कि सर स्पोर्ट्स शूज हर जगह नहीं चलते, मैं भी मानता हूं, अगर आपके लिए दूसरे जूते पहनने बहुत जरूरी है तो सिर्फ अपने काम के समय वो शूज पहनिए, परंतु मैक्सिमम प्रायोरिटीज इन कलर के जूतों को दीजिए। आप देखेंगे, एक साल मात्र करके देखें इस प्रयोग को, आपको क्या अपने कैरियर में कुछ चेंज नजर आता है। और यदि इस वीडियो को देखते देखते आपने मन बना लिया है कि आप 10th हाउस में पड़ी हुई राशि के स्वामी ग्रह के रंग के ही जूते पहनेंगे, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें जरूर। और हाँ, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके 10th हाउस में कौन सी राशि फॉल कर रही है, क्योंकि आपको ज्योतिष नहीं आता है, तो ये जो नंबर नीचे दिए हुए हैं इस नंबर पर तुरंत फोन लगाइए और अपनी डिटेल दीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम बताएगी कि किस रंग के जूते आपको धारण करने चाहिए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो तुरंत इसको आगे बढ़ा दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।